ये खबर चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस घटना के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और कांग्रेसियों की गुंडागर्दी से विचलित नहीं होऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संभावित दौरा था और कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगवाए थे। फूलबाग से नगर निगम ने ये होर्डिंग हटवा दिए, जो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और मंत्री के समर्थकों के बीच भी धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई। ये विवाद हम आपको बताते हैं कि क्यों इतना बड़ा। ये विवाद तब हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संभावित दौरे के मद्देनजर स्वागत के लिए होर्डिंग लगाए गए थे। नगर निगम के अमले ने फूलबाग में लगाए हुए होर्डिंग हटा दिए। इससे कार्यकर्ता नाराज होकर सड़क पर धरने पर भी बैठ गए। इसके बाद जब मंत्री तोमर मांझी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां से निकल रहे थे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेर लिया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के साथ सड़क पर ही धरना दे दिया। हमारा ये बारह का शब्द है, जो बारह का शब्द आप लोग सभी समझ रहे हैं। मेरे मारी मारी मांग है, बारह का शब्द गाले और ध्यान दे। हम आदरणीय हमारी मांगों को लेकर आदरणीय मंत्री महोदय हमारे ज्ञापन लेने आए हैं। मैं चाहता हूं, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, 2 महीने से मध्य प्रदेश माझी जनजाति संघर्ष समिति द्वारा हर मंत्री को ज्ञापन दिया गया, हर विधायक को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। मंत्री जी, आपको भी ज्ञात होगा 15 तारीख तक उपचुनाव से पहले माझी समाज के पर्याय नाम भोई ढीवर कहार केवट मल्ला को जनजाति में जोड़ा जाए, और पूर्व में 2002, 2003 और 2008 के संकल्प में था एक दिन की सरकार बनने पर भोई ढीवर कहार केवट मल्ला को जनजाति की सुविधा देंगे। सम्मानित साथियों, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आज ये आपका सेवक फूलबाग चौराहे पर माझी समाज का धरना चल रहा था, वो तपती धूप में बैठे हुए थे। उनकी मांगों, उनका ज्ञापन लेने फूलबाग चौराहे पर गया। वहां पर कुछ कांग्रेस के झंडा लिए हुए लोग खड़े हुए थे मेरी गाड़ी के ऊपर, और वो माझी समाज के लोगों के बीच धरने तक ना पहुंचूं। वहां पर आकर के
व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। जन सेवक को जिस तरीके से गुंडागर्दी करने की जो कोशिश की गई है, मैं उन कांग्रेसियों से ससम्मान कहना चाहता हूं कि ये सेवक विचलित नहीं होगा। ये जनता का सेवक, ग्वालियर की जनता के हकों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ नौछावर कर देगा। और आज भी मेरे को वो जनता की सेवा के लिए रोक नहीं सकते। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो जरा भी जनता के विकास में आड़े ना आए, क्योंकि जनता किसी पार्टी की भी होती है, जब तक लोग हैं तभी तक हम लोग राजनीति कर पा रहे हैं। तो मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व से, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 15 महीने की सरकार में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिए। ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल का काम रुकवा दिया, ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी के लिए पैसा नहीं दिया, चंबल एक्सप्रेस के लिए पैसा नहीं दिया। आज करोड़ों रुपए के विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ गया? ये करोड़ों रुपए के विज्ञापन के लिए पैसा कहां से आ गया ये मैं जानना चाहता हूं, ये जनता जानना चाहती है। जब जनता इस बात को पूछ रही है तो आप उत्तेजित हो रही है। अरे भाई, उसके लिए जवाब तो दो। मैं पुनः सभी साथियों से, भारतीय जनता पार्टी आम जन से आग्रह कर रहा हूं कि हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें संयम में रहकर इनको, क्योंकि इन्होंने 15 महीने में कुछ किया नहीं है, तो उस कमी को छुपाने के लिए ये उत्तेजित होंगे, ये झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। पर हमें इन के किसी भी बीच में व्यवधान, इनको जो करना है करने दो, हम जनता की सेवा करते रहें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।